1993 वर्ल्ड कप के कप्तान के पास है सादगी, 1983 वर्ल्ड कप के कप्तान के पास है सादगी। अब इस कप्तान को हुई ऋषभ पंत से अलग तरीके की नाराजगी। हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू स्पोर्ट्स टेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए 1993 वर्ल्ड कप के कप्तान आप कौन है समझ ही गए होंगे, हम कपिल देव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मंझे हुए वो कप्तान है। कपिल देव का एक बयान सोशल मीडिया पे आज तेजी से वायरल हो रहा है, वो बयान बेसिकली ऋषभ पंत को लेकर है। आप जानते हैं ऋषभ पंत का 30 दिसंबर साल 2022 में एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो दिल्ली से रुड़की की ओर जा रहे होते हैं, उनकी कार डिवाइडर में उत्तराखंड बॉर्डर में जो है टकरा जाती है। उसके बाद उनका इलाज चलता है पहले देहरादून के अस्पताल में, उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करके मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, और अब ऋषभ पंत बेसिकली बेड में लेटे लेटे अपने ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पिच पर मैदान पे वापसी करें। और वो ही नहीं, बेसिकली हम लोग भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, और अब यही इंतजार कपिल देव भी कर रहे हैं। लेकिन कपिल देव ने ऐसा कुछ ऋषभ पंत के बारे में कहा जिसने फैंस का गुस्सा थोड़ा सा भड़का दिया है। बेसिकली ऋषभ पंत के बारे में कपिल देव ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं उनके वेट कर रहा हूँ ठीक होने का, उसके बाद मैं उनको थप्पड़ मारूंगा। जो यहाँ पे बिल्कुल सही सुना आपने, उसके बाद उन्होंने बोला मैं उनको थप्पड़ मारूंगा। तो क्या कुछ चीजें कपिल देव ने कही हैं, क्यों कपिल देव थप्पड़ मारना चाहते हैं ऋषभ पंत को, चलिए जानते हैं। कपिल देव ने लगाई पंत की क्लास। देखिए कपिल देव कहते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जब ऐसा होगा मैं जाऊँगा और उसे एक थप्पड़ लगाऊंगा, उससे कहूँगा कि अपना ख्याल रखे। उसकी इंजरी से टीम को सब कुछ बदलना पड़ा, मैं उसकी चिंता करता हूँ लेकिन उस पर गुस्सा भी आ रहा है कि आजकल के नौजवान ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं, इसके लिए भी एक थप्पड़ होना चाहिए। तो देखा आपने कपिल देव ने बहुत ही प्यार से बोला, हालांकि कि मैं उनको थप्पड़ लगाना चाहता हूँ कि लापरवाही क्यों करी भाई। आपको याद होगा कपिल देव ने पहले भी कहा था कि आप ड्राइवर रख सकते थे, आपको खुद गाड़ी क्यों ड्राइव करनी थी। तो बेसिकली कपिल देव को प्यार से बड़ा गुस्सा आ रहा है ऋषभ पंत पे कि भैया क्यों लापरवाही करी आपने, अगली बार से ड्राइवर रखिएगा, इतनी लापरवाही नहीं चलेगी, आपका टीम में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इस चीज़ से फैंस थोड़ा सा भड़क इसलिए गया कि फैंस को लगता है कि इस टाइम पे ऋषभ पंत को लेकर, ऋषभ पंत के लिए बेसिकली लोगों को अच्छी बातें बोलनी चाहिए, ना कि इस तरीके के सरकेस्टिक बयान देने चाहिए। अब कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए कि आपको भी लग रहा है कि कपिल देव ने जो थप्पड़ वाली बात कही है वो सही है या फिर ठीक है यार, कि मतलब प्यार से बोला है ठीक है, या फिर आपको भी इस बयान पर गुस्सा आया है, ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।